और भी थे, वो भी यहाँ पे नहीं है। हाँ ठीक है, नो इश्यू। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी क्लास, और टॉपिक है आज का एसिड बेस एंड सॉल्ट। बेटा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एंट्रेंस एग्जाम में भी आपसे पूछते हैं इस पे से क्वेश्चन। और एंट्रेंस आई मीन टू से जो आफ्टर 10th आप लोग एंट्रेंस देते हैं, लाइक डिप्लोमा एंट्रेंस, या फिर आपका रहता है 11th एंट्रेंस किसी स्कूल्स वगैरह में। ओके तो देखते हैं इस चैप्टर में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो हमारे पास है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इन जनरल एसिड किसे कहते हैं? इन जनरल हमें एसिड की इंफॉर्मेशन मिलती है सार एंड टेस्ट। ओके तो जो टेस्ट में खट्टा होगा हम जनरली उसे एसिड मान लेते हैं। वहीं बेस के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? बिटर इन दैट इज टेस्ट। यस, वेरी गुड, बिटर इन टेस्ट। सो द पॉइंट इज, अब हम ये तो जनरल आइडिया हमें मिला, हम सारे सब्सटेंस को चख के तो नहीं देख सकते। समटाइम इट इज स्ट्रॉन्ग, मे बी चखने की बजाय वो हमें ही हार्म पहुंचा दे, कुछ भी हो सकता है। तो सी ये जनरल आइडिया था, हम इस आइडिया के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर नहीं दे पाते। तो हमें देखना पड़ता है कि टेस्ट करने की बजाय हम कैसे चेक करें कि सब्सटेंस एसिड है। तो हमें थ्योरी मिलती है, दैट इज आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी से हमें एसिड के बारे में क्या पता चलता है? तो एसिड की इंफॉर्मेशन आती है, एंड एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन का सिंबल होता है H3O पॉजिटिव, और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का सिंबल होता है बेटा H+, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो द पॉइंट इज आर्हेनियस थ्योरी पानी पर डिपेंड कर रही है। पानी में जब हम किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, तो अगर वो सब्सटेंस H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव डिसोसिएट करके देता है, तो वो सब्सटेंस आपका क्या होता है बच्चा? एसिड होता है। सिमिलरली बेस क्या है आपके पास आर्हेनियस के अकॉर्डिंग? तो अब बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन इज OH-, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सो थ्योरी इज टोटली डिपेंड ऑन वाटर। इसका मतलब है इफ वाटर इज नॉट देयर, सो वी कैन नॉट चेक एसिड और बेस, सिंपल वर्ड्स में। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों वर्ड्स में आंसर क्या कह रहा है? आर्हेनियस थ्योरी इज सिंपली वाटर डिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं वाटर नहीं तो एसिड या बेस का आइडिया नहीं। एसिड और बेस की जनरल आइडिया के बाद हमें यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन है जो पूरी तरीके से डिसोसिएट होंगे और कौन है जो अधूरे डिसोसिएट होंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दोज आर कंप्लीटली डिसोसिएट Those are completely dissociates known as strong, while those are partially dissociate
जो पूरे तरीके से टूट नहीं पाते उनको हम क्या कहते हैं बेटा, दीज वर नोन एज वीक. तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट आपके पास क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ी लेकर आते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस. तो यहाँ पर फिर आपके पास इंफॉर्मेशन आता है ऑल मिनरल एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज H2CO3. इट मींस ये भी मिनरल एसिड है मगर इसे हम छोड़ रहे हैं. तो ऑल मिनरल एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड. सो कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास है, सो एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl. फिर आता है नेक्स्ट आपके पास नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड. द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3. वेरी गुड. द नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड द फॉर्मूला इज H2SO4. इज दैट क्लियर बच्चों? यस मैम. यस. सो दीज थ्री आर स्ट्रॉन्ग एसिड. इन योर सिलेबस सिर्फ इतना ही आपको बताया गया है कि ये तीनों स्ट्रॉन्ग है अपार्ट फ्रॉम मिनरल एसिड. इवन दो मिनरल एसिड इज ऑल्सो कार्बोनिक बट कार्बोनिक इज नॉट आर स्ट्रॉन्ग एसिड. वाइल अदर आर वीक एसिड. अब वीक एसिड में कौन कौन आएंगे तो जरा देखें. सो वीक एसिड्स के एग्जाम्पल तो सबसे पहला तो है ही कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज H2CO3. सो यहीं पर मैं इसके बारे में बताऊंगी. इट इज प्रेजेंट इन सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक्स. सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन होती हैं? बेसिकली सोडा वाटर, सोडा कंटेन ड्रिंक्स. जिनमें सोडा प्रेजेंट रहता है उनमें कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस कंफर्म है. दूसरा आता है आपका फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड को बच्चा हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं. इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो फॉर्मिक एसिड इज आल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड. द फॉर्मूला इज HCOOH. इट प्रेजेंट इन ants or you can say bees sting. मधुमक्खी या चींटी के डंक में, स्टिंग मतलब डंक में होता है. बेटा ये पॉइजनस नहीं है, पहले ही मैंने लिख दिया है कि वीक एसिड. वीक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं. सो नेक्स्ट आपके पास आता है एसिटिक एसिड. That is also known as ethanoic acid. The formula of this is CH3COOH. 5 to 8% present in vinegar. सिरका जिसे हम कहते हैं, चौमिन वगैरह आप खाते होंगे उसमें जो हम सिरका यूज करते हैं, सिरके में 5 to 8% इथेनोइक एसिड रहता है. फिर आता है बेटा आपके पास ऑक्सालिक एसिड. दैट इज H2C2O4. फिर आता है आपके पास, आप फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, टार्ट्रिक एसिड. कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन टर्माइन नहीं, टैमरिंड. टैमरिंड
टर्माइट इज नॉट अ वर्ड बच्चा, टैमरिंड इज इमली, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? बेकिंग पाउडर में भी प्रेजेंट होता है, और नहीं सॉरी एंड टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड एज वेल एज इन बेकिंग पाउडर। चलिए और पेज टर्न कर लेती हूँ मैं पहले। फिर आपके पास और एसिड्स भी, आप लोगों ने नाम सुने होंगे बेटा, जैसे सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये नाम भी आपने सुने होंगे। तो सिट्रिक एसिड सारे कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ऑल लेमन, यस। तो आई कैन से प्रेजेंट इन ऑल सिट्रस फ्रूट, तो उसमें स्पेशली लेमन, ऑरेंज, ये सब उसी में प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड सुना होगा आप लोगों ने नाम, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? एप्पल, यस वेरी गुड, इट प्रेजेंट इन एप्पल। एक और होता है बेटा आपके पास, दैट इज बेंजोइक एसिड, यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है जो कुक्ड और पैकेट वाले फूड आते हैं उनको लॉन्ग टाइम के लिए जो हमें बचा के रखना होता है तो उसमें हम यूज करते हैं बेंजोइक एसिड। ऐसे ही आपके पास आता है पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड हम कहाँ यूज करते हैं बेटा? यूज इन पिकल्स, अचार वगैरह में डालते हैं। क्लियर है बच्चों? सो दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। अब हम बात कर रहे हैं ऑल एल्कली आर स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाट इज एल्कलीज? वो तो मैं बताऊंगी, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपार्ट फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। नेक्स्ट वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। It is caustic potash. These two are strong base as well as alkali. So what is alkali? Alkali means hydroxides of metal are completely dissociate. इन वॉटर, जिन मेटल के हाइड्रोक्साइड पूरी तरीके से पानी में जाकर ब्रेक हो जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एल्कली कहते हैं। सो इनके अलावा कौन है आपके और एलिमेंट्स या और कंपाउंड्स, वो क्या हो जाएंगे? तो वीक बेस हो जाएंगे वो। तो वीक बेस कौन कौन हो जाएंगे? तो सबसे पहला है आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। द फॉर्मूला ऑफ दिस इज MgOH होल ट्वाइस, यूज एज एंटी एसिड इन डाइजेशन। जब पेट वगैरह खराब हो, एसिडिटी हो, तो वी कैन टेक एज दिस। बच्चा ये डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ये इनो वगैरह में प्रेजेंट है, सो तो वी कैन से दिस कि ये इनडाइजेशन में मदद करता है। दूसरा आता है आपके पास स्लेक लाइम। स्लेक लाइम कहते हैं जब वो ड्राई है, उसी को कहते हैं लाइम वाटर
जब वो एक्वस स्टेट में है, एक्वस मतलब पानी के साथ है, सेम फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस, तो इसका एक्चुअल केमिकल नेम हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बेटा? इसके अलावा बाकी मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखूंगी, क्योंकि उनके नाम वगैरह या उनकी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, और आपके पास हो गया आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। सो अपार्ट फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स ऑल आर वीक बेस। बच्चा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस का आइडिया हो गया? कुछ इंफॉर्मेशन मिली? किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है? यस और नो? ओके, सो अभी मैं आपको इसी के बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म बताने जा रही हूँ। उस टर्म का नाम है बेस्ड ऑन बेसिसिटी ऑफ एसिड। सी, टॉपिक थोड़ा सा मिक्स है। आप सोचोगे मैम एसिड यू आर सेइंग एंड बॉयल डाल दिया आपने बेसिसिटी, तो ये क्या है? तो आंसर मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड। किसी एसिड में से हम जितने एच बाहर निकालेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी बेटा? बेसिसिटी। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस मैम। सो देखते हैं, तो आपके पास पहला आता है मोनोबेसिक। मोनोबेसिक मगर एसिड है वो, तो इससे साफ मतलब है वो कितने एच निकाल पा रहा होगा बेटा? मोनो मतलब वन एच प्लस, रिप्लेस, रिप्लेस मतलब निकल रहा है, तो दैट इज एच सी एल, एच एन ओ थ्री, सी एच थ्री, सी ओ ओ एच, सब सिर्फ एक एच ही निकाल सकते हैं अपने में से, तो दैट्स व्हाई दीज वर नोन एज मोनोबेसिक एसिड। तो उसी हिसाब से आपके पास डाय बेसिक एसिड भी हो सकता है। सो डाय बेसिक एसिड्स क्या हो जाएंगे? H2SO4, H2CO3, H2SO3, see you can check there are 2H. So उसी हिसाब से आपके पास ट्राई बेसिक एसिड भी हो सकता है, दैट इज H3PO4. Is that clear? Yes. बच्चा सबको ये पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. So definitely इसी रिस्पेक्टफुली आंसर आपके पास किसके बारे में हो सकता है? बेस्ड ऑन एसिडिटी ऑफ, यस वेरी गुड भाई, एसिड की थी बेसिसिटी, तो बेस की क्या होगी? एसिडिटी। तो डेफिनेटली यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- माइनस आयन प्रेजेंट इन बेस। तो ये भी कितने तरीके के होंगे? मोनो एसिड बेस,
तो आपके पास हो गया NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो, फिर डाई एसिड बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई एसिड बेस, BOH होल थ्राइज या AlOH होल थ्राइज। पेयर हुआ बच्चों, बच्चा ये पॉइंट्स क्लियर हुए? यस मैम। यस मैम। गुड, मैं फिर पेज चेंज कर रही हूँ। सो अब आपके पास वर्ड आता है बेटा डाइल्यूशन। इसी में तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर मैं इसी में आपको इंडिकेटर और रिएक्शंस वगैरह सब बताऊंगी। तो आपके पास आता है डाइल्यूशन, जिसे हम बोल सकते हैं डाइल्यूट एसिड, क्योंकि आपके पास ये थ्योरी एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन या हाउ टू डाइल्यूट अ एसिड। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऐड करना। एग्जैक्टली, तो हम बोल सकते हैं अ डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड by mixing the concentrated acid with water। पानी के साथ जब आप concentrated acid को mix कर रहे हैं, so the process of mixing these means acid and water is highly exothermic, means high amount of heat liberate, बहुत ज्यादा एनर्जी या हीट निकलती है जब हम पानी और एसिड को मिक्स करते हैं। तो बेटा अब मिक्स करने का तरीका क्या होगा? क्या हम पानी को एसिड में डालेंगे या एसिड को पानी में डालेंगे? तो हमने पहले ही कह दिया कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है, तो डाइल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एसिड को स्लोली स्लोली पानी में डालना पड़ता है। तो द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग concentrated acid to water gradually, with continuous stirring, and not by adding water to acid. Is that clear? Yes, ma'am. आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी था, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? दिस इज योर डाइल्यूशन प्रोसेस। सो आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस अब हमें क्या देखना है?
सो मुझे लगता है जब आपने एसिड के बारे में बात कर ली, बेस के बारे में बात कर ली, तो साथ ही साथ हम यहाँ पर सीख लेते हैं इंडिकेटर्स, फिर रिएक्शंस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम एक साथ देख लेंगे। तो बेटा इंडिकेटर्स कौन होते हैं जो हमें मदद करके दें कि कंपाउंड जो आपने डाला, यानी एक कंटेनर में आपके पास क्या है आपको नहीं पता, टेस्ट आप कर नहीं सकते, रिएक्शंस आपको करने को दी नहीं जा रही है, तब भी आपको चेक करना है उसमें क्या है, एसिड है या बेस, तो वहां हम मदद करते हैं। किसकी मदद लेते हैं? इंडिकेटर्स की। तो हम क्या बोल सकते हैं? द केमिकल सब्सटेंस विच is added to the solution in a very small amount to detect their acid या देयर एसिडिक और बेसिक नेचर इज नोन एज इंडिकेटर, इज नोन एज इंडिकेटर। क्लियर है? तो बेटा डिपेंडिंग अपॉन the property of acid or base, property of acid base as well as indicator, they are classified into two types. अब कौन से हैं वो दो टाइप इंडिकेटर के? तो पहला होता है, मैंने जैसा बोला कि एसिड बेस पर भी डिपेंड करेगा, तो एसिड बेस इंडिकेटर, और दूसरा होता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर पहले। अब एसिड बेस इंडिकेटर को हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर हमें क्या करेगा बेटा, हमें कलर मिलेंगे, स्मेल भी मिल सकती है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं क्या हम बोल सकते हैं इसे। द इंडिकेटर्स विच शो डिफरेंट कलर different colors or others colors or smell jise hum bolenge others in acidic and basic medium is called एसिड बेस इंडिकेटर। दीज आर अगेन टू टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन? जो हमें कहां से मिलता है? नेचर में, प्लांट से। आप बोल सकते हो विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स या नेचर, प्रेजेंट इन प्लांट्स या नेचर में। आप तो आपके पास एग्जांपल रहता है
लिचन बोलते हैं कुछ लोग इसे, लिकेन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। एक प्लांट है, क्या प्रोड्यूस कराता है? लिटमस पेपर। पेपर। और अगर लिटमस पेपर आप बात कर रहे हो तो उसका कलर है पर्पल। इवन ये लिटमस सॉल्यूशन भी बना सकता है, और लिटमस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसका कलर रेड या ब्लू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? लिचन प्लांट। इवन आपको नेचर में टर्मरिक भी मिलती है, हल्दी, ये भी आपका नेचर का ही पार्ट है, यानी नेचुरल इंडिकेटर। आपको रेड कैबेज, ये भी आपको नेचर में ही मिलता है। तो ये करते क्या है, कैसा इंफॉर्मेशन देंगे हमें एसिड और बेस के लिए, तो वो बताने जा रही हूँ। फिर पेज चेंज करा है बस। सो आपके पास आता है नेचुरल इंडिकेटर के लिए, तो आई एम जस्ट पुटिंग द इंडिकेटर ओवर देयर, पहला कॉलम। देन द नेक्स्ट कॉलम आई विल टेक कलर, किसमें? न्यूट्रल मीडियम में, यानी उनका ओरिजिनल। और देन एसिडिक मीडियम में, एज वेल एज बेसिक मीडियम में। सो डेफिनेटली द कलर विल चेंज इन दीज मीडियम। सो नाउ आई एम टेकिंग द नंबर वन इंडिकेटर एंड दिस इज नेचुरल। ओके, सो नेचुरल इंडिकेटर में पहला हमने लिया लिटमस। नाउ वापस से, अभी जस्ट आई टोल्ड यू द कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। व्हेन इट टर्न्स रेड इट मीन्स मीडियम इज एसिड, व्हेन इट गिव्स ब्लू इट मीन्स द मीडियम इज बेस। क्लियर है? इज दैट क्लियर बच्चों? यस मैम। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज टर्मरिक, हल्दी। तो इसका कलर तो पता है, येलो। सो इट रिमेन्स येलो व्हेन इट इज पुट इन टू एसिड, व्हाइल इट टर्न्स इन येलो। किस कलर में हो जाता है बेटा? ब्लू लिटमस पेपर। नो चेंज। नो, इट इज रेडिश ब्राउन। व्हेन इट टर्मरिक पुट इट इनटू बेसिक मीडियम इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन। नाउ द थर्ड वन इज रेड कैबेज। ऑब्वियसली रेड कैबेज एट द कलर ऑफ कैबेज विल बी रेड डेफिनेटली। इट रिमेन्स रेड इन एसिड, व्हाइल पुट इट इनटू बेस इट टर्न्स इनटू ग्रीन। Is that clear, बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए। So these were a first part of acid-base indicator. Now the second one is synthetic indicator. Synthetic indicators are also known as artificial. Artificial or you can say man-made. So, इसमें आपके पास कौन से आते हैं जो लैब में हम लोग यूज करते हैं, ये वो इंडिकेटर है। तो अगेन इंडिकेटर आई विल टेक, फिर वही कलर इन न्यूट्रल मीडियम यानी ओरिजिनल कलर। Then the color in acidic medium as well as color will be changed in basic medium. So the number one we have phenolphthalein.
The color of phenolphthalein is colorless, no color. So when it is put into acidic medium, it remains colorless. While it put into basic medium, it turns into pink. The second one is in lab, that was methyl orange. So definitely the color will be orange also. What will be the color when put it into acidic medium? So the answer is red. Red color. And the color will be in a basic medium is yellow. Is that clear, bacho? Yes, ma'am. So now the second one is olfactory. So olfactory indicator basically hum kiske liye use karte hain? Olfactory indicator is used for visually handicapped. जो बच्चे देख नहीं सकते उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक इंडिकेटर यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द एसिड और बेस दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. सो आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या आता है? अनियन. तो क्या करती है? एसिडिक मीडियम में अनियन करती है स्वीट टेस्ट, और वहीं बेसिक मीडियम में ये क्या करती है? बिटर टेस्ट. सो बच्चा ये सब बच्चों ने टेस्ट किया होता है. हम सिरके में प्याज डाल के रखते हैं तो प्याज का जो बहुत ही तीखा तीखा सा पन होता है, नेचर होता है इवन दो, और स्मेल वो सब चली जाती है सिरके में, और वो थोड़ी सी मीठी टाइप, मीठी इन द सेंस नॉट लाइक अ स्वीट डिश, इट शुड बी लाइक कि आप उसे आसानी से खा सकते हो. वहीं आप उसे बेस में डाल दो, बेस लाइक बेकिंग सोडा या सोप सॉल्यूशन, तो उसकी स्मेल भी खराब हो जाएगी और टेस्ट में भी वो और कड़वा हो जाएगा. इसी में एक और आता है बेटा, वेनिला एसेंस. वेनिला एसेंस एसिड में क्या करता है बेटा? बिटर हो जाता है और बिटर टेस्ट, बहुत कड़वा. Although vanilla essence खुद ही कड़वा है, इतना कड़वा है बेटा कि आप मुंह पे रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इट शुड बी लाइक आपने नम मतलब पॉइजनस कोई चीज खा ली. बहुत करेला खाते हैं आप लोग, इट शुड बी लाइक करेला जितना कड़वा. वहीं बेस में जाते हैं तो स्वीट स्मेल देता है, स्वीट फ्लेवर देता है. अब आप बोलेंगे मैम कैसे? तो आपने केक में, पेस्ट्रीज में देखा होगा, ऑल्दो आइसक्रीम में, इन सब में हम वेनिला एसेंस की एक ड्रॉप डालते हैं बस, और वो फ्लेवर दे देती है. आपने खाई होगी बेटा वेनिला आइसक्रीम, तो उसमें वो वेनिला ड्रॉप है तो उसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है, वरना दूध का कोई फ्लेवर नहीं है. आप लोगों ने खाई होगी वेनिला आइसक्रीम, व्हाइट होती है, कुछ भी नहीं होता, जबकि स्ट्रॉबेरी पिंक, तो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आता है आपको. ऐसे ही चॉकलेट फ्लेवर अलग. तो वनीला आइसक्रीम इज सिंपल प्लेन आइसक्रीम, व्हाइट आइसक्रीम, बट जब आप उसे खाते हैं तो आपको एक फ्लेवर आता है बहुत ही डिफरेंट, वो दूध का नहीं होता. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग केक खाते हैं तो वनीला केक खाएंगे तो दैट इज अगेन आपको एक फ्रूटी टाइप टेस्ट, स्मेल, स्वीट, वो सब वनीला की रहती है बेस के साथ, क्योंकि ये सारी चीज बेस में ही डलकर बनती है. सो इंडिकेटर आप लोगों ने सुना. इसी इंडिकेटर के अंदर टू कैलकुलेट द वैल्यू और डेटा ऑफ एसिड एंड बेस क्या यूज करते हैं हम लोग इंडिकेटर में? पीएच इंडिकेटर. सो पीएच इज अ स्टैंड फॉर पावर फॉर पी ऑफ हाइड्रोजन आयन. यस, हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम
आयन कंसंट्रेशन. सो इस लैंग्वेज का फॉर्मूला बन जाता है pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग स्क्वायर ब्रैकेट मींस कंसंट्रेशन H प्लस. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट pH. बेटा 10th में तो इस पे बेस न्यूमेरिकल नहीं है, बट यस आप 11th में आएंगे तो इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं. इस पे बेस आपका एंट्रेंस में न्यूमेरिकल पूछा जाता है. हल्का सा आइडिया तो मैं आपको तब भी दे ही दूंगी. सो वैल्यू चेक करने के लिए देयर इज pH स्केल आल्सो. दिस स्केल इज स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद 14 and in middle it is the value 7. So in between 0 to 7 it is for acid, in between 7 to 14 this is for base, and the 7 is stand for neutral. Yes, the color of neutral yani 7 ka rehta hai green yani pale green, halka हरा रंग का सॉल्यूशन न्यूट्रल का है. वाइल द कलर ऑफ एसिड देर आर सो मेनी कलर्स बिलोंग टू रेड पिंक ऑरेंज. दीज थ्री कलर इज बिलोंग्स टू एसिड. यहीं पर डार्क ग्रीन ब्लू एंड वॉयलेट दीज आर द कलर ऑफ बेस. So, pOH भी लेकर आते हैं. जैसे pH लाए ऐसे ही pOH है. pOH stand for minus log square bracket OH ion. वहीं पर the sum of pH plus pOH is equals to 14. See 14. दोनों यानी यहां पर pH निकालेंगे, यहाँ पर POH निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 14 के बराबर आएगा. यहां तक समझ में आया? pH की वैल्यू बढ़ी, ध्यान से सुनिएगा, when the increasing the value of pH, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसे ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होगी, साथ ही साथ एसिडिक नेचर भी कम होता जाएगा. खुद देखिए पीएच बढ़ना मतलब 7 से 14 की तरफ जाना, तो एसिड नेचर थोड़ी है, यहाँ तो बेसिक नेचर है. वहीं कम होगा पीएच तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं, ये बढ़ेगा, साथ ही साथ एसिड नेचर भी बढ़ेगा. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? No, ma'am. So, in short, आप लोगों को हल्का फुल्का सा एसिड बेस का इंफॉर्मेशन एंड उनका एसिडिटी और बेसिसिटी कॉन्सेप्ट, उनका इंडिकेटर्स का इंफॉर्मेशन एंड एसिड और बेस की कितनी अमाउंट क्वांटिटी होगी वो हमें पीएच बताएगा, तो उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. सो आपके पास बेटा क्वेश्चन आएंगे, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा. हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर आपको दिया है 10^-2, If H plus square bracket की वैल्यू है 10^-2, तो pH की वैल्यू सीधा सीधा क्या करोगे बेटा, जो 2 दिया है ना नंबर वो यहां ले लोगे. समझ आ रहा है इतना मैंने क्या बताया? The value of H positive, whatever is given in the 10^-power, the value will directly that power. तो pH will be the power. तो मैं यहाँ पर हिंट दे सकती हूँ आपको, H plus 10^-X, so the pH is become X. Say yes or no? Yes, ma'am. Okay,
सो आप कोरिलेट कर सकते हो, इफ पीएच इज इक्वल टू 3 तो हाइड्रोजन आयन वैल्यू कितना होगा बेटा? एनीवन? 10^-3. इज दैट क्लियर? यस मैम. ये गुड. सी अब मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको. व्हाट इज द चेंज इन पीएच व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. सी मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है, यू कैन पुट लाइक एच प्लस, सीधा ये भी लिख सकते हो आप. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज चेंज इन इनटू 10^-2 टू 10^-4 पीएच 10^-2 से पीएच 10^-4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो पीएच में क्या फर्क पड़ रहा होगा? सो एज वी नो दैट 10^-2 इज एच आयन, सो पीएच इज डेफिनेटली बिकम 2. यस और नो? एंड 10^-4 एच है अगर, सो पीएच इज डेफिनेटली बिकम 4. यस और नो? यस मैम. एंड एज वी नो दैट pH increases when hydrogen ion concentration decreases. Okay, ये हमने पता करा पीछे. तो -2 से -4 कम हो रहा है. कितना कम हो रहा है? 100 लग रहा है कि नहीं बताइए. आप लोगों को 100 लग रहा है कि नहीं? भाई पहले 2 जीरो थे, इधर 4 जीरो हो गए, तो 4 जीरो में 2 जीरो ही तो हुए. तो आपको जो गिवन कंडीशन में दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, या खाली हाइड्रोजन आयन स्क्वायर ब्रैकेट, इज डिक्रीजेस बाय 100. यस और नो? यस मैम. तो पीएच इज इंक्रीजेस बाय 100 होगा कि नहीं, अब ये बताइए. यस मैम. क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. इफ पीएच इज इक्वल टू 2 फॉर एन एसिड, इट चेंजेस टू पीएच इज इक्वल टू 3. सो व्हाट इज द चेंज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? सो आपका आंसर क्या होगा? टू से थ्री कितना बड़ा? 1 मतलब 10. पीएच इज इंक्रीज बाय 10. ये इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. यस, डिक्रीज बाय 10. क्योंकि पीएच बढ़ेगा तो एच आयन कम होगा, ये मत भूलना बच्चों. क्लियर है? सो यस और नो? यस. चलिए क्वेश्चन है, फाइंड पीएच ऑफ NaOH इफ OH आयन कंसंट्रेशन इज 10^-2. तो बच्चा OH आयन कंसेंट्रेशन अगर 10^-2 है तो अब POH होगा 2. समझ आ रही है? क्योंकि यहीं पर मैं लिखूंगी भाई, जैसे H के लिए लिखा 10^-X तो OH के लिए लिखती हूँ 10^-Y तो POH हो जाएगा Y. दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो PH हो गया 2 एंड एज वी नो दैट
pH plus COH is equals to 14. So pH will be 14 minus POH. So pH is 12. Yes. So the answer is 12. Yes. Clear hua bachcho? Yes. Yes, ma'am. Now the next. Which is more acid? A, B, C, where pH of A is 5, B is 3, and C is 9. C, B. B. So, abhi humne bola, pH decrease, acid increase. ये पीछे बताई थी मैंने बात. तो सबसे कम पीएच किसका है? बी. तो देयरफॉर बी इज मोर एसिडिक. से यस और नो. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? बी ए सी. सी ए बी होगा. यस मैम. यस मैम. बच्चों आपको एसिड बेस का आइडिया मिला, पीएच मिला, इंडिकेटर मिला. तो आप लोगों को यहाँ तक इन्फॉर्मेशन समझ में आई? यस मैम. यस मैम. सो होप आप लोगों को क्लास समझ में आई हो. आई गेस आप लोगों ने थोड़ा एंजॉय भी किया हो. समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है. ठीक है. और क्लास समझ में आना और एंजॉय करना मेरे लिए दोनों ही इक्वल है, क्योंकि जब तक आप कोई चीज एंजॉय नहीं करते हैं तो समझ भी नहीं आती है. ओके. और पर्सनली अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आस्क मी. आप मुझे मैसेज पे भी पूछ सकते हो, इधर क्लास जब होगी तब तो आप पूछ ही सकते हो. ओके बच्चों. यस मैम. मैम आप ये नोट शेयर कर दीजिएगा मैम. हाँ बेटा, डोंट वरी, आई विल सेंड इट आपके ग्रुप में. मैं इसकी पिक्चर क्लिक करके मैं ये नोट्स दे दूंगी, डोंट वरी. ओके. थैंक यू फॉर द क्लास टुडे. अभी हम इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर बच्चों. अल्लाह हाफिज़.